एक अच्छा और एक बुरा समाचार। पहले क्या सुनाओ? दोनों सुना दो। कौन सा समाचार अच्छा है मैं बताऊंगा। राजमाता ने देवसेना और आपके विवाह के शगुन में तांबूल भेजा है। मुझे क्या चाहिए मेरी माँ अच्छे से जानती है। लेकिन राजकुमारी ने बड़े अहंकार के साथ जवाब भेज दिया कि उन्हें यह रिश्ता स्वीकार नहीं। ये भी अच्छा समाचार है। कैसे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, उससे नहीं जो मैं ही हूं। मामा हथियार। ए मंदबुद्धि, पहले तो डर डर के चलते थे, आज बड़ा सीना तान के चल रहे हो। कहाँ जा रहे हो? राजकुमारी के पास। इतना दुस्साहस, आधी रात को तुम देवसेना से मिलने जा रहे हो, क्यों? आपका राज्य बड़े संकट में है कुमार वर्मा, मैं जैसा कह रहा हूँ पैसे। मुझे नाम से पुकार रहे हो? अभी समझाने का समय नहीं है मेरे पास, हट जाओ। तुम मुझे हाथ लगा रहे हो? कुमार वर्मा ये पिंडारी है, सबको सावधान करो। कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है। जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय। Thank you.
राजकुमारी नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम। तेजा रुकिए, आप हैं कौन? अब ये बताने का समय नहीं है राजकुमारी, आइए। किंतु स्वामी, हम तो साधारण ग्वाले हैं, हम क्या युद्ध करेंगे? सोच अगर पक्की हो तो एक दिन का भी तलवार में बदल सकता है। आपके राज्य के सैनिकों की संख्या कम है, इसीलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार है स्वामी। सामर्थ्य दिखाइए, जाइए। जय भवानी। जय भवानी। ऊपर जाओ।
खंभों के नीचे मारो। साधका, मैं जान ही नहीं पाया आप कौन है, न जाने क्या क्या बोल दिया। मैंने आपको लात भी मारी। जब तुमने लात मारी तभी तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। ये रक्त नहीं है मित्र, विजय तिलक है जो कहता है कि तुम कायर नहीं वीर हो। इस विपत्ति का हमें आभास भी नहीं था, आपने भगवान बनकर बचा लिया। कौन हैं आप, कहां से आए हैं? हम कौन हैं ये जाने दीजिए महाराज, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। इतने बड़े महावीर की हम क्या सहायता कर सकते हैं? जी आपके राज्य की एक सुंदरी पर ये मोहित हो गया है। क्या, कौन है वो सौभाग्यशाली? जी वो आपकी राजकुमारी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? वो संदेश क्या है वीर? वो क्या है? आपको बंदी बनाने के लिए राजमाता शिवगामी का आदेश है। धोखा। आप गलत समझ रही हैं। हमें शत्रु से बचा के आप हमारे लिए देवता बन गए और अगले ही क्षण हमें बंदी बनाने आ गए। कौन है आप? क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन हो तुम? आपका क्रोध शांत होते ही मैं आपको सब। महिष्मति के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र भी था संसार, जिससे उस काल के संहारक वीरों के भी अमरेंद्र बाहुबली। संबंधी एक दूसरे के गले लगते हैं, उनके आगे झुकते नहीं है महाराज। राजमाता ने विवाह का प्रस्ताव इस महावीर के लिए भेजा था? जी महाराज, बाहुबली को राजकुमारी से प्रेम है ये बात राजमाता नहीं जानती थी। जब आपने मना कर दिया तो उन्होंने आपको बंदी बनाकर लाने को कहा। मेरी माँ से कभी भूल नहीं हो सकती देवसेना, वो जो भी करती हैं उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। ये सिर्फ समझ का फेर है, प्रतिशोध नहीं। मेरे साथ बंदी बनकर आओ।
मेरा मन जीतने वाले महावीर हैं आप। अगर मुझे दासी बनाकर भी ले जाएंगे तो मृत्यु तक मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी, लेकिन अपना स्वाभिमान हार के बंदी बनकर आना असंभव है। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं देवसेना। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। हमारे राज्य का उजाला आपको सौंप रहे हैं युवराज। निश्चिंत रहें, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको कुछ हुआ तो नहीं राजकुमारी? आपका ध्यान कहीं और है। निश्चिंत रहिए राजकुमारी, राजमाता बहू की तरह नहीं बेटी की तरह आपकी देखभाल करेंगी। माहिष्मती, मैंने आपके आदेश की हंसी उड़ाकर आपका अपमान किया, अभिमान भरा जवाब भेजकर मन दुखाया। मेरे अहंकार को आप क्षमा कर सकती हैं राजमाता? शिवगामी की बहू पर इतना अहंकार आकर्षक लगता है। अपने होने वाले पति के समीप खड़ी हो जाओ देवसेना। मेरा निर्णय सही है या नहीं माहिष्मती स्वयं देख ले। देवसेना, क्या कर रही हो? आपने जो कहा वही तो कर रही हूं। मैंने जिसे तुम्हारा पति चुना है वो भल्लाल देव है। ये क्या कह रही है राजमाता? मैंने जिसे मन से चाहा और आपने जिसे मेरे लिए चुना वो बाहुबली है। ये सब क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए राजमाता, ये भूल मुझसे हुई है। जब आपने उस संदेशे में बेटा कहा तो मैंने गलती से बाहुबली समझ लिया। इस उलझन का कारण मैं हूं, इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं। कटप्पा, भूल कैसे हुई ये बात कोई महत्व नहीं रखती। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। राजमाता, बाहु,
मैं भल्लाल देव को देवसेना से ब्याहने का वचन दे चुकी हूँ। रुक जाइए, मेरी सहमति के बिना मेरा विवाह तय करने वाली आप होती कौन है? एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, आप इतना भी नहीं जानती? इतनी भी बुद्धि नहीं है? शिवगामी से ऊंचे स्वर में बात करने का साहस कैसे किया? दंडनायक, इस अहंकारी को बंदी बनाकर घुटनों पर झुका दो। आज्ञा राजमाता। देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। मां, देवसेना के गौरव और मर्यादा की रक्षा करने का वचन दिया था मैंने। युवराज, आप राजमाता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपने ही तो कहा था उस महादेव शिव के निर्णय में भूल हो सकती है, शिवगामी देवी के निर्णय में नहीं। दिए हुए वचन के लिए, सत्य और न्याय के लिए, धर्म स्थापना के लिए किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े, वो चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, तो भयभीत ना हो, यही धर्म है, यही क्षत्रिय धर्म है। एक लड़की के मन की बात जाने बिना अपने बेटे को वचन देना गलत है। आपसे भूल हुई माँ। शिवगामी से भूल हुई? तुम जन्म लेते ही अपनी माँ को निगल गए, फिर भी तुम्हें सीने से लगा के पाला, ये भूल है? अपनी कोख से पैदा हुए संतान के समान तुम्हें बड़ा किया, ये भूल है? तुम्हें युवराज घोषित करना भूल है, या फिर तुम्हारा राज्याभिषेक करना, क्या है भूल? देख लिया शिवगामी, तुम्हारे त्याग को इसने भूल का नाम दे दिया। तो तुम अपना वचन नहीं तोड़ोगे, यानी तुम्हारी माँ अपना वचन तोड़ दे, ये उचित है? अपनी माँ के वचन का कोई मूल्य नहीं, कोई मर्यादा नहीं। रहने दीजिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब दिखाई दे रहा है। अमरेंद्र बाहुबली, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। तुम्हें स्वर्णिम इतिहास पर टिका हुआ महिष्मति साम्राज्य का राज सिंहासन चाहिए, या ये कपटी देवसेना चाहिए? सिंहासन के लिए मैं अपना वचन तोड़ दूं, ये आपकी परवरिश का अपमान होगा मां। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, आने वाली विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर भल्लाल देव का राज्याभिषेक किया जाएगा और सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त बाहुबली के निरीक्षण में वो महोत्सव संपन्न होगा। राजमाता, एक बार सोच लीजिए। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन।